Sri Lankan people think about RAVANA? ये कोकोनट की रोटियां हैं। Hello guys, तो आज हम जा रहे हैं एला एंड थोड़ा आज एक्साइटमेंट है क्योंकि अब हम बीच लोकेशन से निकल के माउंटेन लोकेशन में जा रहे हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे लोकल शॉप से बुक करानी चाहिए कैब, मैं लोकल शॉप के पास गया, उन्होंने उनकी जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने बोला कि लाइक 10,000 to 15,000 श्रीलंकन रुपीज लगेंगे, श्रीलंकन रुपीज लगेंगे फॉर एला के लिए। तो थोड़ा मेरे लिए कॉस्टली ऑप्शन था वो, दैन मैंने अगेन पिक कैब यूज़ की एंड उसके थ्रू एक कैब बुक की, बट उस कैब वाले ने मुझे डायरेक्टली कॉल किया एंड बोला कि मैं 8,000 रुपीज़ लूँगा श्रीलंकन रुपीज़, तो मैं आपको कैब भेज दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं, प्लस जो टोल लगेगा इन बिटवीन था, टोल की प्राइस देखे तो 350 रुपीज़ या 450 रुपीज़ समथिंग आएगी। मैंने कहा ठीक है यार, जो मार्केट शॉप थी उससे तो बेटर ही रेट मुझे मिल रही है। तो अभी हम जा रहे हैं एला। एला जो है वो तीन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला, एक 9R ब्रिज आता है एला में जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है यूनेस्को की। सेकंड, रावना वाटरफॉल एंड रावना केव एंड थोड़ी हिस्ट्री भी जुड़ी है इंडियंस की उससे, लाइक जब रावण जी सीता जी को किडनैप करके श्रीलंका लेके आए थे तो उन्होंने सीता जी को रावना वाटरफॉल के पीछे एक रावना केव है उसमें रखा था। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, प्लस जो टेम्परेचर होने वाला है अभी ये मिरिसा बीच उना का कोलंबो का बहुत ही गर्मी वाला टेम्परेचर था, बहुत ही हॉट टेम्परेचर था। अब जो मेरा टेम्परेचर होने वाला है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि हम माउंटेन्स में जा रहे हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट मस्त हो रखे इस समय। बाकी मैं आपको रास्ते के व्यू दिखाता रहूँगा, तो मिलते हैं फिर। हेलो, Mandis, according to you, how you think about Ravana? I mean, for Sri Lankan people... Yeah, from Indian people, they think like enemy, right? No, not enemy. We think like Ravana is a like very skillful person, very minded person, and but he did the wrong thing with Sita. What Sri Lankan people think about Ravana? Ravana is a doctor. Okay. You're kind of scientist. Yeah, also a scientist. Yeah. Like a king. बच गए हैं 5 पूरे एंड अभी एक घंटा हो जाएगा एला के लिए। तो रास्ते में हुआ क्या, 2 घंटे पहले हम इसी हाईवे से, जिस हाईवे पर भी चल रहे हैं उसी हाईवे पर थे एंड फाइनली एक टूरिस्ट बस ने एला से आते हुए एक बच्चे को टक्कर मार दी एंड उसकी सडनली एट द स्पॉट ही डेथ हो गई। तो लोकल विलेजर्स ने जाम लगा दिए पूरे रोड को एंड ऑलमोस्ट हम वेट करते रहे कि जाम खुलेगा एंड 45 मिनट तक हमने वेट किया था, सडनली पुलिस वाले आएगी, थोड़ा माहौल बिगड़ रहा है। तो आपको
आपको बैक देना पड़ेगा, दूसरा रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने दूसरा रूट फॉलो किया है जो कि जिसमें एक घंटे लग गया हमें सेम रूट पर आने के लिए। और वो रूट था जो अंदर विलेजेस से होके गया है, पूरा श्रीलंकन विलेजेस से होके गया है, हम सेम रूट पर आए हैं। अब कंटिन्यू वन मोर आवर लगेंगे। पूरा तो बहुत लगा सुन के कि लाइक बस बच्चे को वेट किया है, देन सडनली बस भाग गई। एंड क्या कर सकते हैं, लाइफ है, मूवन तो होना ही पड़ेगा इन चीज़ों से। तो अभी हम एला पहुँचेंगे, एला में जाके मैंने अभी तक होटल बुक नहीं किया, मुझे होटल बुक करना है। एंड देखते हैं कैसे रहता है लगा। तो गाइस फाइनली हम एला पहुंचने वाले हैं, यहाँ 7 किलोमीटर दूर है। बट उससे पहले ऑन द वे रावना फॉल पड़ा है। रावना वाटरफॉल यहाँ का मेन अट्रैक्शन में से एक है, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो। और ये बहुत ही लंबा फॉल है, ये ठीक वहाँ से आ रहा है ऊपर से। एंड सामने से देखने में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मैं वहाँ तक जाने वाला हूँ, देखता हूँ कहाँ तक चढ़ पाता हूँ, वहाँ तक जाएंगे और देखते हैं कैसा फील होता है यहाँ जाने पर। बट यार बहुत टायरिंग जर्नी हो गया है, ऑलमोस्ट 6 आवर हो चुके हैं हमें। अभी इसके लेला यहाँ से 50 मिनट्स दूर है। एंड टिल दैट आप इसके मज़े लीजिए फॉल के। तो फाइनली हम एले पहुंच गए हैं, हमने होटल का रूम ले लिया है। और जो हमने होटल लिया है वो थोड़ा आउट ऑफ बजट चले गया है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ 8:30 हो चुके हैं और एवरीथिंग लाइक सारे होटल ऑलमोस्ट बुकड हैं और जो खाली है वो थोड़ी दूर है मेन स्ट्रीट से। तो हमें मजबूरन में ये होटल लेना पड़ा है, नॉट मजबूरी, अब जो ऑप्शन था वही लेना पड़ेगा। सो ये होटल मुझे पड़ा है विद ब्रेकफास्ट 3500 का फॉर वन नाइट। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ मेरे ये वाला कैसा है। तो ये वॉशरूम है, ये बेड, हाँ रूम अच्छा है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और थोड़ी सी बालकोनी भी देखी इन्होंने, दिस वन छोटी सी बालकोनी है, सामने का नॉर्मल व्यू है तो खास की। बट ये बिल्कुल मेन स्ट्रीट, जो यहाँ का मेन स्ट्रीट है, बहुत अच्छी स्ट्रीट है। तो उसके बिल्कुल जस्ट ये मालूम है 100 मीटर होगा। सो हेलो गाइस, तो आज मैं हूँ एला और एला में बहुत अच्छी सुबह हो रखी है। एंड एक होता है ना कि यार कि अभी हम जितनी भी जगह थे बीच पे थे, एंड बीच पे मॉर्निंग में थोड़ी धूप बहुत तेज आती है। एंड इट्स लाइक कि आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, आप बीच लोकेशन पर तो ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा यार बहुत तेज धूप है। एंड यहाँ पे हल्की सी ठंडक है एंड थोड़ी हल्की फुल्की ठंड भी है, जैसे अपने यहाँ होता है ना अक्टूबर या मार्च वाला मौसम, वैसा ही हो रखा है यहाँ पे अभी। एंड बहुत अच्छा सा लग रहा है इस समय बैठ के। तो अभी हम तैयार होके अपने होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में हैं एंड अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने कुछ लोकल डिशेज ऑर्डर की है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हमारे लिए सब फ्री है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट का, किस तरह का ब्रेकफास्ट है। ऑमलेट है, ये दाल होती है श्रीलंकन दाल, एंड ये कुछ कोकोनट का स्क्रम्बल कोकोनट है, यहाँ की फेमस डिशेज में आता है। एंड वन मोर है, ये कोकोनट की रोटियाँ हैं, कोकोनट की रोटियाँ, आप देखते हैं खा के कैसा टेस्ट होता है। बाकी जूसेस हैं, एक्सेट्रा है, जो भी बेसिक चीज़ होती है, और फ्रेश फ्रेट फ्रूट है। यहाँ की मैं अभी लोकल डिश टेस्ट कर रहा हूँ, तो जो ये चपाती है नारियल वाली, पता नहीं ये नारियल रोटी इसमें कुछ बहुत चीज़ें भर रखी है, पर टेस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट लगा और अच्छा लग रहा है।
इफ नॉट लाइक मुझे लगा अपना नान टाइप होगा, पर ये नान टाइप नहीं है, थोड़ा डिफरेंट आप अगर आ रहे हैं तो इनकी नारियल की रोटियाँ जरूर टेस्ट करिएगा। एंड अबाउट दाल, दाल जो सांभर की दाल होती है, आई मीन जो सांभर मिलती है हमें डोसे के साथ वाली, उसी की तरह प्लस साथ में जो ये नारियल की है ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, ये थोड़ा मतलब लाइक चटनी टाइप है, बट चटनी भी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है इसका, पर अच्छा लग रहा है खाने में। बाकी एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक माउंटेन में आ गए। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, तो अब हम जा रहे हैं रावणा केव देखने पहले, देन नाइन आर ब्रिज एंड इफ पॉसिबल हुआ तो दिया म्यूला वाटरफॉल है इधर एक, वो देखने जाएंगे। आई थिंक शायद मैंने नाम सही नहीं लिया बट मैं आपको बाद में बता दूंगा उसका। एंड और शाम को हम जाएंगे एडम्स पीक, तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अब बस निकलता हूँ मैं कवर करने के लिए, मैं आपको रास्ते की अपडेट देता हूँ सारी की जैसी कैसे होती है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, एंड एट द एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।